इक्योंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच पंच बार गंग जाए पार पंच प्राग नाए तैसा उन एक गुर सिख को नवाएगा पंच बार गंग जाए पार पंच प्राग नाए तैसा उन एक गुर सिख को नवाएगा तैसा उन एक सिख को नवाएगा पंच बार गंग जाए सिख को पिलाए पानी भाव कर पूर खेत सिख को पिलाए पानी भाव कर कुर खेत अश्वमेध जग फल सिख को जीवाएगा अश्वमेध जग फल सिख को जीवाएगा पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए तैसा पुण्य एक सिख को नवाएगा तैसा पुण्य एक गुर सिख को नवाएगा पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा जैसे सत मंदिर कंचन के उसार दीने तैसा पुन सिख को एक शब्द सिखाएगा पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा पंच बार गंग जाए
जैसे 20 बार दर्शन साध किया कहूं, जैसे 20 बार दर्शन साध किया कहूं, तैसा फल सिख को जाप पग सवाए का। जैसा 20 बार दर्शन साध किया कहूं, तैसा फल सिख को जाप पग सवाए का। 5 बार गंग जाए, 12 5 प्राग नाए, तैसा पुण्य एक गुर सिख को नवाए का। 5 बार गंग जाए। भाई साहब, भाई गुरदास जी ने इस कवित विच मनुखता दी सेवा और गुरु के प्यारे सतपुरुष जो सतसंग वल जाण वाले हन उना दी सेवा करन दा किड्डा वड्डा फल दस्या। पुरातन समयां विच अज तरह दे प्रबंध नहीं सन जिवें अज जल पानी इशनान दा प्रबंध है। अगे लोग दरियावां ते इशनान करदे सन, खूह गिरदे सन तां इशनान करदे सन। उस समय दी गल नूं मुख रख के भाई साहब कहिंदे ने एक गुरु के सिख नूं अमृत वेले इशनान करा देना प्यार भावना दे नाल, एडा फल है कि कोई श्रद्धा और सिदक दे नाल 5 वेरा गंगा दा इशनान कर लवे, 5 वेरा प्राग राज दी पवित्र धरती पवित्र तीर्थ ते जाके इशनान कर लवे, एडा वड्डा फल है गुरु के सिख नूं अमृत वेले इशनान कराउण दा। पुरातन समय बजुर्ग दस्या करदे सन कि प्यार वालियां रूहां अमृत वेले खूह दे अगे लग के आप पंजाली पा लैणी ते खूह गिड़दे रहना, ते संगतां ने इशनान करना, नाले सेवा भी हो जानी, नाले शरीर दी कसरत हो जानी। ऐसे समय भी सन। तो भाई साहब इशनान कराउण दी इतनी बख्शिश कर रहे हन कि एडियां बख्शिशां होंदियां, जेड़ा कोई सिदक प्यार दे नाल इशनान करा देवे, 5 बार गंग जाए, 12 5 प्राग नाए, तैसा पुन एक गुर सिख को नवाए का। इशनान करा देना। अगलियां तुकां विच आप दसते हन कि सिख को पिलाए पानी पाओ कर कुर खैत, भावना और सिदक दे नाल किसे नूं जल छका देना, एडा फल है कि पवित्र धरती ते कुरुक्षेत्र दी धरती ते, क्योंकि कुरुक्षेत्र दी धरती बड़ी पवित्र धरती गिनी गई है, और ऐसी पवित्र धरती ते कोई अश्वमेध जग कर लवे ते एडा फल है किसे प्यासे नूं पानी पिला देना, और संगतां दी सेवा गुरु का लंगर समझ के अपने घर नूं उना दी प्रसादे पानी दी सेवा करनी। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। एडा सेवा और सिमरन दा फल है किसे नूं प्यार भावना दे नाल प्रसाद छका देना। ये नहीं दाता बन के, नहीं कोई जे दाता बन के किसे नूं खवा रहा है या दे रहा है ता अहंकार है। नहीं, जेड़ा कोई भाई प्यार भावना दे नाल तैनू सेवा दित्ती है निरंकार ने, कोई शक रहा है तेरे घर आके प्रसाद, तू समझ के ओ अकाल पुरख वाहिगुरु उन्हें नदर कीती है। ये दाता तो गुरु कियां हन, मैनू केवल ये सेवा करन दा सुभाग प्राप्त होया। महापुरख संत श्याम सिंह जी जिन्हां ने गुरु घर की बेअंत सेवा कीती है, इन्हां दा नियम सी कि अमृत वेले 2 बजे जाग के इशनान करके
ते श्री हरमंदर साहब दी देवड़ी साहब अगे आके बैठना। दर मांडे ठांडे दरबार, तुद बिन सुरत करे कौन, मेरी दर्शन दीजै खोल के वार। इना कुल सारगी होंदी सी वजा के ए शब्द बोलना, ते गुरु के द्वार अमृत वेले खुलदे सन हरमंदर साहब दे। और 72 साल इना ने ए सेवा बिला नागा निभाई है। भावें शरीर ढिला है, बुखार है, शरीर नहीं मनदा, फिर भी आके हाजरी लवाई है। ओ महापुरख जो मंगत्या नू कदी मंगता नहीं सन, कहंदे गोबिंद लोक क्या करदे सी, भई ये गोबिंद लोक दे बंदे हन। सर्दियां दे दिन सन, एक फकीर जो सर्दी नाल ठर रहा सी, ते अपने सेवक नू भेजिया चादर दे के, गर्म जा भाई उस गोविंद लोक नू दे के आ, ये साई दे लोक हन। ओ गर्म चादर दे के वापस आ गया, ते महापुरख पुछन लगे क्यों भाई चादर दे आया है? अखे जी दे आया। कहन लगे ओदे चरनी हाथ लाया सी, हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद किया सी। कहंदा जी ऐसा तो नहीं किया। ते फिर महापुरख कहन लगे तू चादर दे नहीं आया, चादर गुआ है। कहन लगे ये तो दाता उस अकाल पुरख वाहिगुरु दियां हन, जे उस वाहिगुरु ने तैनू समर्था दिती है, तेरे हथों दे रहा है, तेरे हथों दिवा रहा है, ते तेरा फर्ज है उसके चरनी हाथ लाउना, हाथ जोड़ के उसका धन्यवाद करना, चरना ते ठह पिया। तो सेवा करन लग्या मन विच जे हंकार आ जावे, भई मैं दाता हाँ जिन्हों शकारिया वो मंगता है, तो फिर साढ़े पले कुछ नहीं रह जाएगा। महाराज कहते हैं जे को होए बहे दातार, तिस देन हार जाने गावार। जे वाहिगुरु ने तैनू सेवा बख्शी है गुरु के सिखा दी, तो फिर तन भाग समझ के निरहंकार होके सेवा करेगा, तो एडा वड्डा फल मिलेगा कि सिख को पिलाए पानी पाओ कर कुर खैत, अश्व मेद जग फल सिख को जिवाए का। जिवाए कहते हैं किसी नू प्रसाद छकाउना। एडा फल भाई साहब दस रहे हैं मनुखता दी सेवा दा। पंच बार गंगे जाए, बार पंच प्राग नाए, तैसा पुन एक गुरु सिख को नवाएगा, तैसा पुन एक गुरु सिख को नवाएगा। पंच बार गंगे जाए, सतनाम वाहे गुरु, 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 बार पंच प्राग नाए, तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा। पंच बार गंग जाए, बार पंच प्राग नाए, तैसा पुन एक गुर सिख को नवाएगा। पंच बार गंग जाए, इदा फल है गुरु के सिख दी सेवा करनी। पर सतपुरशां दी निशानी की है? सतपुरशां दे सदा कदम किसे पर उपकार लई, मनुखता दी सेवा लई, उना दे कदम उठते हन सेवा करन लई।
सत पुरशां दे गुरु के सिखां दे कदम चलदे हन सत संगत वल। गुरु के सिख दे कदम कदे माड़े पासे नहीं जांदे। जे गुरु के सिख दे कदम शराबां दे ठेकियां ते छिनमियां कलबां विच जा रहे हन, माड़े पासे जा रहे हन, तां इन्हां कदमां दी कोई कीमत नहीं है, कोई मुल नहीं। भाई साहब कहिंदे न, जिन्हां दे कदम सत संग वल जांदे हन, जिन्हां दे कदम मनुखता दी सेवा लई परपकार लई उठदे हन, बेशक मेरे तन दे चमड़ा लहा के जुतियां बनवा के उन्हां गुरसिखां नूं पहना दिओ। भाई साहब ने एक बंदा बड़ा सुंदर सवाल कीता है कि सिर उच्चा नीवे चरण, आखिया सिर उच्चा है पैर नीवे हन, पर यह सिर पैरों वल क्यों झुकदा है ते सारियां पैरां ते भी नहीं झुकदा। ते किसे गुरमुख दे चरणां दी धूड़ी मिल जावे तां मुड़ मुड़ मस्तक ते लाई दी है, मुड़ मुड़ मस्तक ते लाई दी है। आख्या उन्हां चरणां विच, उन्हां कदमां विच की खूबी की है। भाई साहब ने बड़ा सुंदर सवाल कीता कि सिर उच्चा नीवे चरण सिर पैरी पांदे, मूह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे, सब चेहन छड पूजियन कौन करम कमांदे। सारी जो सुंदरता है वो इस मुख ते है, सारे सुंदर चेहन मुख ते हन, ते फिर कदमां दी पूजा क्यों हुंदी है, कदमां वल सिर क्यों जांदा है, ते सारियां कदमां ते भी नहीं झुकदा, ते किसे गुरमुख दे जी करदा है कि इहदे चरण चुम लवां। उचारण करो श्री वाहे। उन्हां कदमां विच की खूबी है, मूह अखी नक कन हथ दे पार उचांदे, सब चेहन छड पूजियन कौन करम कमांदे। सारे चेहन शरीर दे छड के कदमां दी पूजा क्यों हुंदी है, तां भाई साहब कहिंदे ने कदमां दी पूजा तां हुंदी है कि ओ कदम सत संगत वल जांदे हन। गुरु का सिख अमृत वेले जाग के इशनान करके ते फिर बाणी पढ़दा जा रहा है, किधर चले हो जी, सतसंग विच जा रहे हैं। किधर चले हो जी, ये परपकार दा कोई काम सी ओ करन चले हां। ते भाई साहब कहिंदे ने फिर मैं उन्हां दा सत्कार किवें करा, ऐसे कदम जो परपकार लई उठते हैं, सतसंग लई उठदे हन, उन्हां कदमां दा मैं किवें सत्कार करां। तां भाई साहब कहिंदे हन कि गुर सरणी साध संगती जो नित चल चल जांदे, वतन पर उपकार नूं कर पार वसांदे, मेरी खलों मौजड़े गुरसिख हंडांदे। आख्या मैं अपने तन भाग समझांगा, जे इस तन दे चमड़े दे जोड़े बनन ते ओ गुरु के सिख पहरन, मैं अपने तन भाग समझांगा। एक गुरसिख दे नाल प्यार है, गुरु दे नाल तां भाई साहब गुरदास जी दा पता नहीं कितना को प्यार होवेगा, पर ए प्यार एक गुरु के सिख नाल, सिख ने एडा प्यार करना है। उचारण करो श्री वाहेगुरु। इसलिए मेरी खलों मौजड़े गुरसिख हंडांदे, एडा फल है गुरु के सिख दी सेवा करन दा और सतसंग विच जान दा जो भाई साहब दस रहे हन। पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए, पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए, तैसा पुन एक गुरसिख को नवाएगा, तैसा पुन एक गुरसिख को नवाएगा। पंच बार गंग जाए बार पंच प्राग नाए, तैसा पुन एक गुरसिख को नवाएगा, तैसा पुन एक गुरसिख को नवाएगा। पंच बार गंग जाए।
इस बार दर्शन साध किया कहूं, जैसे बीस बार दर्शन साध किया कहूं, तैसा फल सिख को चाप पग सुलाएगा। पुरातन समय गुरु के सिख बड़ी बड़ी दूरों बड़िया बड़िया औखियां काटियां औखियां मंजिलां कट के कई कई दिन लग जांदे सन श्री हरिमंदर साहब विखे पहुंचदियां। और रस्ते दा थकेवा हुंदा सी, जिथे भी रात्रि आई कीर्तन करके गुरु का जश करके ओ रात कट लैनी, अमृत वेले फिर इशनान करके कीर्तन करना नेतनेम करना ते फिर सारा दिन सफर करना। ते भाई साहब गुरदास जी कहंदे ने जदों गुरु के सिख आया करदे सन ते फिर प्यार वालिया ने उना दे मुट्ठी चापी करनी, चरण घुटने, उना नूं सुख देना, क्योंकि अमृत वेले ओही जाग सकदा है जो समय सिर रात नूं आराम करेगा। ते गुरु के सिख मुट्ठी चापी करके बड़े प्यार दे नाल गुरसिखां नूं सवाया करदे सन। उचारण करो श्री वाहिगुरु। ये पूरने सिर्फ सिखां ही ने नहीं पाए, जदों काबल तो संगतां आईयां ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह आप भी पिपली साहब गए, गुरु का लंगर बना के उना दे धर्म सपत्नी माता गंगा जी दोनों जने जा रहे हैं गुरु के दर दी गुरु के सिखां दी सेवा करन लई। धन गुरु अर्जन देव पातशाह पखे दी सेवा कर रहे हैं ते जगत माता गंगा जी सारिया दी जल पानी दी सेवा कर रहे हैं। ते जदों संगतां नूं लंगर छका लिया ते हुण जगत माता गंगा जी हाथ सुचे करा के ते संगतां दे जूठे बर्तन मांज रहे हन ते धन गुरु अर्जन देव पातशाह मुठी चापी कर रहे हन। आप समर्थ पुरख होंदे होए सर्व कला समर्थ आप होंदे होए भी एडी सेवा दे पूरने पा के दसे पंजवें गुरु नानक जिन्हां दी उस्तत करदिआं पट्टां ने कहा कि गुरु अर्जन प्रतख हर गुरु अर्जन सिर छतर आप परमेसर दियो। एडी वड्डी हस्ती होण दे बावजूद धन गुरु अर्जन दे पातशाह किवें सेवा दे पूरने पा के सानू दसे। शामा दा समा है किसे ने पछाणिया नहीं कि जिन्हां दे दर्शनां नूं असी आए हाँ ओही साडी पखे दी सेवा कर रहे हैं, ओही जल पानी दी सेवा कर रहे हैं, ओही मुठी चापी कर रहे हैं। ते जिदी भी मुठी चापी करदे हन ओ सिख आशीषां दे रहे हन। धन है गुरु के सिखा तेरा जीवन धन है, तैनू नाम चित आवे वाहिगुरु ने जो तैनू सेवा दा प्यार बख्शिया कोई सेवा दा किनका गुरु साडी भी चोली पावे। इस तरह दियां आशीषां लै रहे हन गुरु अर्जन देव पातशाह आप प्रतख हर होंदे होए भी संगतां दी किवें प्यार दी सेवा कीती। प्यारी सात संगत भाई साहब गुरदास जी जो सेवा दा एक नमूना दस रहे हन ओ गुरु के सिख दी सेवा है। गुरु का प्यार तो पता नहीं कितना होवेगा। और फिर वड्डी गल सोचन वाली ए है कि जे सिख नूं प्यार है गुरु दे नाल तां गुरु नूं भी घट प्यार नहीं है। चरण शरण गुर एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए लेत है। एक बार सतगुर मंत्र सिमरन मात्र सिमरन ताहे बारंग बार गुर हेत है। आख्या गुरु का सिख श्रद्धा दे नाल एक कदम गुरु वाल रखदा है, गुरु करोड़ा कदमा अगों लैण लई आ रहा है। एक वारी गुरु का सिख प्यार दे नाल सिदक दे नाल जपदा है सतनाम श्री वाहिगुरु।
ਤੇ ਗੁਰੂ ਐਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸਿਮਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਵਣੀ ਭਗਤ ਪਾਏ ਕੌਡੀ ਅਗਰ ਭਾਗ ਰਾਖੇ। ਜੇ ਪਾਵਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਨਾ ਦੀ ਸਿਦਕ ਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੰਕਾਰ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਕੌਡੀ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਏਡੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭੋ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਪਾਈਆਂ। ਇੱਕ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਵਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਚਾੜਾਂਗੇ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ ਮਾਂਜਾਂਗੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਬਣ ਜਾਊਗੀ। ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਸੇਵ ਕਮਾਈਏ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਬੈਸਣ ਪਾਈਏ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਗਾਖੜੀ, ਸਿਰ ਦੀਜੇ ਆਪ ਗਵਾਏ। ਆਪੇ ਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਦੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ। ਇਹਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ, ਅਸ਼ਵੇਧ ਜਗ ਦਾ ਫਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਸੱਤ ਮੰਦਰ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਸਾਰ ਕੇ ਦਾਨ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਇਤਨਾ ਪੁੰਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਸਿਖਾ ਦੇਣਾ। 20 ਵੇਰਾਂ ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਐਡਾ ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥੱਕੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮੁੱਠੀ ਚਾਪੀ ਕਰਨੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇਣਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਕਿਨਕਾ ਸੇਵਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏਗਾ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏਗਾ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ, ਬਾਰ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਗ ਨਾਏ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏਗਾ। ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏਗਾ, ਤੈਸਾ ਪੁੰਨ ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕੋ ਨਵਾਏਗਾ। ਪੰਜ ਵਾਰ ਗੰਗ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।